बातें सब समझ लो 200 साल समझ लीजिए आप कम से कम, बहुत पुराने टाइम से चला रहा है ये, लिमिटेड है ये। एक्चुअली में ज़्यादातर जल्दी चलती है होमलेस लोगों में चलती है, अपन ये कह रहे हैं कि 95% ये होमलेस लोगों का कल्चर है होमलेस लोगों में। अब जो ये भोपाली ज्वेलरी होती है उसमें भी 3-4 लोग होते हैं, एक कौशल जी हैं, एक बन्नू भैया हैं, जो भी है। आज भी जो होना चाहिए कि मतलब जो भोपाल का जो विधान भर है आज भी ऑर्डर तो बनवाते हैं, 90% ऑर्डर तो तैयार हो जाए, 10% ही तैयार मिलेगा आपको। तो ये गुलवर ये 5 ग्राम से बनता है, इसमें लगभग 13 पीस होते हैं, अंदर सिल्वर रहता है, ऊपर गोल्ड की कोटिंग चलती है, पहुँची है, इसमें अंदर आमा रहता है, ऊपर गोल्ड की कोटिंग होती है, ये पहुँची होती है, ये दोनों भोपाली, ये एक चूहा दंती होती है, ये सिर्फ भोपाल में ही बनती है, ये पहुँची और ये पहुँची भोपाल में ही बनती है, इसके अलावा कहीं बनती नहीं। इसके कारीगर भी लिमिटेड हैं भोपाल में, मुश्किल से 1 या 2 कारीगर बचे हुए हैं, बाकी काम बंद हो गए। नाम बलराज सोनी है, भोपाल से रहने वाले, बचपन चौक गया भोपाल में। हाँ, जैसे सोना आता है अपन उसको चौकोर करते हैं, फिर मशीन में खींचते हैं, कपड़े ठप्पे ठोक के उनको चांदी और सोने के दोनों मड़ के उनको बांध के मतलब मड़ के दे देते हैं, तो पटवे लोग कटाई करते हैं, फिर उसके गले पहनने के लिए मोती लगा कर वो गटते हैं। तैयार हो गया ये, अब ये डोरे उसमें गढ़ाई हो जाएगी। एक हमारे चाचा है वो धर्म कांटे के नीचे, धर्म कांटा है ना चौक में, धर्म कांटे के नीचे श्रीराम ज्वेलर्स वो है, हमें एक हमारे मामा का लड़का है, बस 3 आदमी। फादर भी ये करते थे, ग्रांड फादर भी ये करते थे, और हम लोग जागीर परिवार से चलाते हैं, नवाबी दौर में हम लोग की जागीर हुआ करती थी, अब वो कल वक्त के हिसाब से सब खत्म हो गया। भोपाली के मोस्टली जो भोपाली ज्वेलरी है टप्पे की हो नक्काशी की हो और हाथ से बनने वाली भी कई है, पटली है, ये वाली है, ये सब बनाते हैं। भोपाली ज्वेलरी पूरी कंप्लीट हमारे बनती है, काफी टाइम से चलता आ रहा है, नवाबों के टाइम से पहले से भी टप्पे ज्वेलरी चल रही है भाई। अपन को पहले के सिक्के वगैरह देखते हैं, गिन्नी वगैरह जो चलती है, ब्रिटिश आज तो ठप्पे ज्वेलरी, वो गिन्नी वगैरह नवाबों के सिक्के जो चलते थे, राजाओं के सिक्के चलते थे, वो ठप्पे से ही ठुके बनते थे, वो मतलब जो पुराने कॉइन्स हैं राजा महाराजाओं के नवाबों के, ब्रिटिश आज तो ठप्पे ज्वेलरी, भोपाली ज्वेलरी पर्टिकुलर ट्रेडिशनल वो 2-3-4 लोग हैं ज़्यादा। हम लोगों के पास कौन बनाएगा गार्ड में, वो तो ज्वेलरी ये खत्म ही हो जाएगा सब लोग, हमारे बच्चे भी ठीक रहते हैं, वो बहुत मेहनत का काम है, उसमें मेहनत लगती है, तो वो कहते हैं भाई आप आजकल मशीन का काम कम हो गया है, इसको हैंडवर्क में जो ये ठप्पे ज्वेलरी है ये टोटली हैंडवर्क है, तो हैंडवर्क के अंदर टाइम लगता है और मेहनत लगती है और बैठक लगती है और फिनिशिंग देना पड़ती है, यदि उसमें जरा भी फिनिशिंग इधर उधर हुई तो डिजाइन बेकार हो जाएगी। अभी हमारे फोरफादर की दुकान है, मेरे पिताजी बताते थे 1894 में एस्टेब्लिश हुई थी, उसके पहले भी हुई थी, जो पिताजी को याद है वो 1894 का है, जो हमारे दादाजी बताते थे, हम लोग पुराने भोपाल के ही हैं 600-700 साल के, हम लोग कहीं से आए नहीं, बाकी भोपाल की भी जल्दी बड़ी फेमस थी, कुमार की
वो भी अब धीरे धीरे खत्म होती गई। अब आजकल नई नई डिज़ाइन आ गई, पुराने लोग धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो बहुत कम डिमांड है, ऑर्डर भी बनाई जाती है। ना बिल्कुल लगता है कि मैं सोचता हूँ 10-20 साल में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वैसे बहुत कम उसका चलन होते जा रहा है। नई डिज़ाइनें आती जा रही हैं, तो नई जनरेशन ये डिज़ाइन पसंद नहीं करती, जो पुरानी जनरेशन है वही अभी पहन रही है, आगे नई वाली पीढ़ी को ये पसंद ही नहीं करती। जनरेशन तो चेंज कोई नहीं कर सकता, इसलिए वापस आना बड़ा मुश्किल है। कहना ये है कि ट्रेडिशनल ज्वेलरी जो है उससे लोगों को भटकना नहीं चाहिए। वो बाप दादा और सबके जमाने चली आ रही है, ठीक है। नए ज्वेलरी के अंदर क्या है, नए ज्वेलरी के एक तो वो होती डेलिकेट नहीं होती, ये ड्यूरेबल भी रहते हैं। आपने देखा चपड़ा में उड़ा रहा है, झुमकी बनवा लो 3 पीढ़ी तक चलती है। ये जो ठप्पा ज्वेलरी है इसमें सब कपड़े का लाभ का सपोर्ट होता है, तो ये लॉन्ग टर्म ये। और बाकी आप लोग हैं तो उसमें क्या टूट फूट जल्दी होती है, कुंदे गिर जाए, ये होगा इसमें ऐसे गड्ढे हुए हैं, अब इसमें क्या होगा, खराब हो जाए दोबारा लोगे 200-400 रुपये लगेंगे गड्ढा लिए। तो ये ट्रेडिशनल जो ज्वेलरी है इसका मज़ा ही अलग है।